दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फ्री लैंडिंग पेज के ऊपर। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं और आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और आप एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाने की सोच रहे हैं वो भी फ्री में, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ्री में जो लैंडिंग पेज बनते हैं वो उतने कन्वर्टिंग नहीं होते हैं, फ्री में अच्छी लैंडिंग पेज नहीं बनते, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना लेंगे डेफिनेटली। क्योंकि लैंडिंग पेज हमने अपने लाइव सेशन में, वन टू वन सेशन में और हमने अपने पर्सनल यूज के लिए भी हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज फ्री में बनाए हैं और आज एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ और उस वेबसाइट में हम लाइव सेटअप भी करने वाले हैं हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज को। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं, चलते सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और लाइव कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज हम सेटअप करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से बता दूं, जिस स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल समझने को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आपको हमसे लाइव क्लासेस में एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, आपको वन टू वन सेशन चाहिए, तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको लाइव क्लास के वन टू वन सेशन की डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलते हैं सीखते हैं कि कैसे एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो फ्री में आपको हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाने की बना सकते हैं जिस वेबसाइट पे हम। तो चलते हैं गूगल पे। गूगल पे आ गया हूँ। गूगल पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ एक लैंडिंग पेज का और देन हम बताते हैं कि कैसे आप ऐसा लैंडिंग पेज बना सकते हैं और उससे भी अच्छा बना सकते हैं। जो लैंडिंग पेज मैं बताने वाला हूँ पहले आप उसको देख लें, देन उससे भी अच्छा लैंडिंग पेज आप बना पाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हैं फ्री में। तो मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ जो वेबसाइट आपने बहुत सारी बार सुनी होगी जिसका नेम है system.io और ये जो पर्टिकुलर जीमेल है मैंने एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए ही क्रिएट किया हुआ है। इस जीमेल पर मैं लैंडिंग पेज ही बनाता हूं, तो मैं इस system.io को ओपन कर लेता हूं। जिस भी स्टूडेंट का system.io पर अकाउंट नहीं है, लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप इसके पर अकाउंट बना सकते हैं। 3 से 4 लैंडिंग पेज एक जीमेल आईडी से फ्री में बना सकते हैं और अगर आपको इनका अपग्रेड वर्जन चाहिए देन आप इनका अपग्रेड और प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं। चलते ओपन करते हैं। सो गाइस मैंने system.io ओपन कर लिया, ये इसका डैशबोर्ड है system.io का। अब system.io को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को आपको मिलेगा। अब मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ, मेरे ऑलरेडी अकाउंट है, जिसका अकाउंट नहीं है वो लोग यहाँ पर सिंपली जीमेल साइन अप कर लेना, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है और मैंने इस नेम से अकाउंट बनाया हुआ है, एंड देन साइन इन करते हैं। सो गाइस मैंने एक डेमो का अकाउंट ओपन कर लिया है system.io पर। ऐसे मेरे पास बहुत सारे अलग अलग जीमेल से अलग अलग प्रोडक्ट्स पर हम काम करते रहते हैं। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ लैंडिंग पेज, एक दो लैंडिंग पेज के एग्जांपल मैं दिखाता हूँ फ्री वाले लैंडिंग पेज। तो देखो यहाँ पे मेन्यूज में आना है, फनल में आना है, ऐसे ही आपको भी क्रिएट करना है। अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेना, कोई भी डिफरेंट प्रोसीजर नहीं है, सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर लेना। फनल पे आते हैं। फनल पे आने के बाद यहाँ पे दो लैंडिंग पेज बने हुए हैं, दोनों मैंने जावा वन के लिए बनाए हुए हैं क्योंकि ये स्पेशली मैंने जावा वन के लिए ही ईमेल आईडी क्रिएट करी थी। एंड देन हम यहाँ पे एक बार लैंडिंग पेज हम ओवरव्यू कर लेते हैं, एंड देन ऐसे लैंडिंग पेज आप फ्री में बना सकते हैं, मैं ये बताने वाला हूँ। एंड देन आपको कैसे बनाना वो भी सब मैं बता दूंगा, कौन सी थीम लेनी है, क्या क्या उसमें ऑप्टिमाइजेशन करना वो सब हम देख लेंगे। एंड देन व्यू फनल पे क्लिक करते हैं। सो जैसे ही आप व्यू फनल पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ये फ्री में बना हुआ लैंडिंग पेज है। पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कितना हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज आप फ्री में बना सकते हैं। ये टाइमिंग चल रही है, ये पूरा लैंडिंग पेज है। एंड देन ये देख सकते हो ये कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, फिर से एक बटन, प्रोज एंड कॉन्स, फिर से एक बटन, कुछ टेस्टिमोनियल्स, ऑफर्स, एंड देन कुछ प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये जो लैंडिंग पेज है ये फ्री में बना हुआ लैंडिंग पेज है। अब इस लैंडिंग पेज में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देख समझ में आएगा, इसमें बस एक छोटा सा वाटरमार्क आता है बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड में आता है पावर्ड बाय system.io। अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते तब ये वाटरमार्क नहीं आता, बट मुझे इससे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से वाटरमार्क के साथ भी सेल जनरेट आप कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये एक लैंडिंग पेज है सिंपल सा, मैंने वीडियो बनाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है। अब आपको कैसे ऐसा लैंडिंग पेज बनाना है उसकी बात हम एक बार देख लेते हैं, कैसे थीम लेनी है, किस टाइप का लैंडिंग पेज लेना है, क्या क्या आपको यहाँ पे करना है वो सब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलते हैं सीधे फनल्स पे। सो मैं फनल्स पे आ जाता हूँ एक बार। सो गाइस मैं फनल्स पे आ गया हूँ। फनल्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, ये है फिल्टर का ऑप्शन और उसके साइड में दिखेगा क्रिएट का ऑप्शन। सो आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कस्टम का ऑप्शन दिखेगा, कस्टम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप देखते चलो, एक नेम दे देना। सो मैं लाइक डेमो के लिए बता रहा हूँ ये वाला लैंडिंग पेज, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डेमो। एंड देन कस्टम पे क्लिक करने के बाद यूएस डॉलर आपने कर लिया है, एंड देन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, लाइक आपको क्लिक करना है क्रिएट पर। सो करते हैं क्रिएट पर क्लिक। तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे। इस वाले इंटरफेस पे आपको लाइक ऐसा सिस्टम डॉट आई होगा, ये डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्रिएट स्टेप पर क्लिक करना है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी। सो क्रिएट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नेम का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे अपना नेम दे, कोई भी नेम दे सकते हो। सो मैं ये मान के चलो जावा वन के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया जावा वन, ठीक है। एंड देन टाइप, सो एक टाइप दे देना। तो टाइप में आपको यहाँ पे लाइक लेना है, ये आप देख रहे हैं ना ऑप्शन इनके आगे स्क्विच पेज आ रहा है, तो आपको स्क्विच पेज को क्लिक कर देना, ठीक है। एंड देन आपको ये लेने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। सो जैसे आप ये ले लोगे, आपके सामने ये टाइप का लैंडिंग लाइक ये टाइप की कुछ लाइक थीम्स आ जाएंगी। तो अब आपको जो भी थीम अच्छी लग रही है, जो भी आपको, देखो सबकी पसंद अपने अपने अकॉर्डिंग है, सबकी चॉइस अपने अपने अकॉर्डिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी थीम ले लेना। प्रोसीजर सेम रहेगा, जो प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ, तो थीम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो मैं एग्जाम्पल के लिए कोई एक थीम ले लेता हूँ। सो एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली थीम ले लेता हूँ। मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, फिर आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये वाली थीम ले ली। ये थीम लेने के बाद आप यहाँ पे देखो, ये अपना लाइक यूआरएल तैयार हो गया है। एंड देन यहाँ पे अगर आप पीछे कुछ डालना चाहो, चेंज करना चाहो, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे दो तीन चीजें ओपन मिलेंगी, सेव, प्रीव्यू। प्रीव्यू देखना है अभी कैसा दिख रहा है, तो आपको सिंपली एडिट पेज पे क्लिक कर देना है। एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। बस आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सारा चेंज कर देना है। बहुत सारे लोगों ने एलिमेंटर यूज किया होगा वर्डप्रेस पे, तो ये सेम एलिमेंटर जैसा मैं अभी आपको बता देता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल है, आप इजीली लैंडिंग पेज बना सकते हैं। जैसे अब देखो मैं आपको पूरा लैंडिंग पेज एक बना के लाइक छोटा सा सेटअप करके दिखाता हूँ। सो मैंने ये फोटो हटा दी है और इसकी जगह पर दूसरी फोटो ले लेते हैं। सो एक इमेज यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दी है, ठीक है। एंड देन योर इमेजेस, सो एक इमेज मैंने यहाँ से ले ली एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एक इमेज मैंने ले ली है, कंपनी के लोगों की देखो जरूरत नहीं है मुझे। सो मैंने ये हटा दिया है। अगर कुछ आपको ऊपर ऐड करना है, कोई लोगो वगैरह डालना है, तो आप यहाँ पे एक ऊपर डायरेक्टली सेक्शन लेके आप ऊपर ब्लॉक लेके आप ऊपर डाल सकते हैं, अदरवाइज इमेज भी डायरेक्टली ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे एक लैंडिंग पेज बना लेते हैं स्टेप बाई स्टेप। सो देखते चले। सो मैं एग्जाम्पल के लिए ये लाइन यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा लैंडिंग पेज आपको प्रॉपर बना के बता देता हूँ। तो इसको अपन यहाँ डालते हैं ना, और इसमें अपन रखते हैं केवल जावन रिव्यू। सो ये अपन ने यहाँ से जावन रिव्यू कॉपी किया, देन यहाँ पे जावन रिव्यू डाल दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे अपन इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते अपन ये लाइन को वाई नाउ। चलो अपन अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग एक लाइन लिख देते हैं। सो इस पर आपको क्लिक करना है। पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे, रेड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले इसमें आप ओपन यूआरएल में यहाँ पे आपको अपने एफिलेट की यूआरएल दे देनी है। जो भी आपका एफिलेट पेज है, आपको उसकी यूआरएल आपको यहाँ पे दे देनी है, जो भी यूआरएल है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पहले यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि रेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जो भी कलर आपको बेस्ट लगता है। मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने ग्रीन कर दिया है। टेक्स्ट के कलर को अपन ब्लैक कर देते हैं, है ना। सो टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर लाइक वही सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये सब ऑप्शन है। अब हम यहाँ पे जो ढूंढ रहे हैं उस ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। सो यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ बाय नाउ ठीक है। मैंने एक ऐसा यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे और कुछ भी डालना चाहो, जैसे टाइमर वगैरह ऐड करना चाहो, मैं लाइक डिटेल आपको बता देता हूँ। मतलब बहुत सिंपल है, आप मतलब बना के देखेंगे, आप सेकंडों में बना लेंगे, लाइक बिलीव मी, क्योंकि इतना टफ है ही नहीं ये, है ना। तो यहाँ पे अपन एक टाइमर डाल देते हैं। टाइमर कहाँ है, मिल जा टाइमर फटाफट। एंड देन हम इस वीडियो को, ये है काउंटडाउन, ठीक है। एक यहाँ पे अपन काउंटडाउन डाल देते, चाहो तो यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे अच्छे लगे यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब काउंटडाउन में जैसे मुझे काउंटडाउन चाहिए, तो मैं इसको डिले कर देता हूँ,
और डिले मैं 1 घंटे के डिले पे रखता हूँ। तो मैंने इसको, ये देखो डे 0 है, इसको 1 रख दिया, तो 1 घंटे का डिले जैसे कोई भी यूजर आएगा 1 घंटे का 59 58 इस टाइप से चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब नीचे अपन थोड़ी सी और डिटेल चेंज कर देना, ये क्या है, ये लाइन अच्छी नहीं लग रही मुझे, हटाओ इसको, और जो नहीं चाहिए वो आप हटा देना, ठीक है, ये भी अपना काम कहीं नहीं है, तो हटाओ इसको भी, ये क्यों है यहाँ पर, इसको भी हटाओ, ठीक है, जो काम करनी है आप हटा देना। तो आपका लैंडिंग पेज आपके अकॉर्डिंग, आप जैसे ये योर सर्विसेज लिखी हुई है, यहाँ पे हमें योर सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर लाइक मान लो ये एक इमेज है, ठीक है, मैंने ये इमेज सेव कर लिया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इमेज पे आया और मैंने यहाँ पे ये लिया, एंड देन ये अपन ने ये यहाँ पे इमेज ऐड कर दिया। थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा नीचे है, तो थोड़ा मैं ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ इसको, कि ये ज्यादा ही ऊपर हो गया, ये ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैंने में सेट कर दिया। अब मुझे और कुछ सेट करना है, मतलब आप बना सकते हो, अभी जैसे बानी बेनिफिट्स ऑफ जावा वन मुझे सेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ने टेक्स्ट उठाया और ये अपन ने लेकर दिया, ठीक है। अब इसको साइज को अपन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एंड देन आप फिर इसके नीचे बेनिफिट्स आप वगैरह आप इसमें बुलेटिन पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कैसे, मतलब बुलेटिन पॉइंट्स यहाँ पे ले लेना। अब बेनिफिट्स ज्यादा नीचे आ रहे हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा ऊपर लिए ले लिए। अब बेनिफिट्स लिखना है कुछ, तो मैं एक बेनिफिट लिख लेता हूँ, ठीक है। सो एक बेनिफिट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये अपन ने एक बेनिफिट लिख दिया। अब इस टाइप से आप और बेनिफिट लिख के आप पूरा एक लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे तो बहुत लंबा लाइक लैंडिंग पेज होता जाएगा, मतलब हम लोगों ने हर एक चीज का यूज करके देख लिया, इमेज कैसे यूज करना है, एडिंग कैसे यूज करना है, टाइमर कैसे यूज करना है, बटन कैसे यूज करना है। अब पूरा लैंडिंग पेज आपको इस टाइप से सेटअप करना और यहाँ से सेव करना है। सबसे पहले हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, आखिर में लग कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइक एक अच्छा लैंडिंग पेज तैयार हो चुका है। ये देखो टाइमर यहाँ पे लग चुका है, ये नहीं आएगा जैसे आप उसको लाइव कर दोगे, प्रीव्यू मोड में ये लाइन आ रही है, अदरवाइज ये नहीं आएगी। एंड देन आपका ये देखो बकायदा शानदार लैंडिंग पेज तैयार हो चुका है। अब अपने अकॉर्डिंग पूरा एक ऐसा लैंडिंग पेज भी आप बना सकते हैं, बस इसमें डिटेल डालना है। ये बटन्स हैं, बटन्स के साइज मैंने बड़े कर दिए, ये अगर ऐसी लाइंस कैसे आती हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे अभी ये बटन है, बटन को थोड़ा सा डिजाइन देना है, साइज बड़ा करना है, तो वो सब आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा यूज करके देखें, सब होगा आपसे, ठीक है, ठीक है। ये है, ये देखो लाइन्स आ गई। तो ऐसे आप एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते हैं, एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना सकते हैं। मोबाइल व्यू भी देख लो, system.io का मोबाइल व्यू बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे ये वेबसाइट फ्री लैंडिंग पेज वालों के लिए सबसे बेस्ट लगती है, सबसे बेस्ट, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसका लाइक मोबाइल व्यू भी अच्छा है, वाटरमार्क भी देखो कहाँ आता है, साइड में लेफ्ट में, इतना सा वाटरमार्क आता है साइड में। तो फ्री में चाहिए, इतना कुछ मिल रहा है, अच्छा लैंडिंग पेज बन रहा है, तो आप इस पर बनाए। एंड देन अगर कोई भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर आपको हमसे लाइव ट्रेनिंग चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग रिगार्डिंग, तो आप हमें नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कंटेंट अच्छा लगता है आपको कंटेंट, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसा एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बना ले, सेल आपकी डेफिनेटली आने वाली है। सो ऐसा एक अच्छा लैंडिंग पेज तैयार कर ले।